75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए महिलाओं के सम्मान की बात कही है। कोयला क्षेत्र में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पेंशन कौशल के लाभ का कोयला सचिव अनिल जैन ने निकाला समाधान। विश्व आदिवासी दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक उत्सव और सम्मान समारोह 14 अगस्त को वेटरनरी कॉलेज सेमिनरी हिल नागपुर में संपन्न हुआ। स्वच्छ भारत के तहत गांव में कचरा संग्रहण के लिए उपलब्ध कराए गए वाहनों का भुगतान नहीं होने से अब ठेकेदारों ने ग्राम पंचायतों को वाहन ले जाने की धमकी दी है। अधिकारियों द्वारा जले हुए बॉयलर की मरम्मत में देरी की वजह से सरकारी दुग्ध डेयरी का दूध संग्रह और वितरण जून माह से बंद है। पिछले 3-4 दिनों में विदर्भ में बारिश हुई थी, इससे नदियों में पानी भर गया। कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, साथ ही भंडारा जिला भी बाढ़ के खतरे से अब टल गया है। नागपुर की शिवसेना के उप प्रमुख द्वारा किए गए पोस्ट को लेकर उन्हें धमकी भरा पत्र भेजा गया है, साथ ही लाल रंग से लिखी चिट्ठी में धमकी दी गई थी।